समाज सुधार अभियान के तहत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार यानी आज बेगूसराय पहुंचे। यहां आईटीआई मैदान में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने बेगूसराय और खगड़िया जिले की करीब 1000 जीविका दीदियों को संबोधित किया। यहां उन्होंने शराबबंदी के नुकसान को गिनाते गिनाते यह भी कहा कि शराब पीने से एड्स होता है। वे WHO की रिपोर्ट का हवाला दे रहे थे। इसके पहले भी वे इस तरह की बात कह चुके हैं, जिस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुटकी भी ली थी। शराब के कारण जो मृत्यु है वो टीबी के कारण मृत्यु होता है, HIV, एड्स, डायबिटीज यानी मधुमेह, इन सब के कारण मृत्यु होती है, उससे ज्यादा मृत्यु होती है। और उसके रिपोर्ट ये हुआ कि शराब पीने से लगभग 200 बीमारियां फैलती है। अब आप सोच लीजिए। नीतीश कुमार ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक शराब 200 बीमारियों को बढ़ाती है। शराब के सेवन से कैंसर, एड्स, हेपेटाइटिस, टीवी, लीवर, दिल की बीमारी, मानसिक बीमारी और माता शिशु से संबंधित बीमारियां भी बढ़ती हैं। शराब पीने से 200 प्रकार की बीमारियां फैलती है और हर प्रकार से, आप समझ लीजिए, शराब का सेवन कर से कैंसर, एड्स, हेपेटाइटिस, टीवी, लीवर, दिल की बीमारियां, इस प्रकार से अनेक बीमारियां होती। इस दौरान उन्होंने पुरानी बातों को भी दोहराया और कहा, कुछ लोग गड़बड़ करने वाले होते ही हैं। शराबबंदी सर्वसम्मति से लागू किया गया था, लेकिन पता नहीं कुछ लोग किस तरह की राजनीति करते हैं। गांधी जी ने कहा था कि शराब से न सिर्फ पैसा जाएगा बल्कि पीने वाले की बुद्धि भी चली जाएगी। कुछ लोग अपने आप को काबिल समझते हैं, पढ़ेंगे भी, दारू भी पिएंगे। दारू पीते हो तो देश का नुकसान कर रहे हो। और उसी में क्या लिखा है, गांधी जी ने कहा था, क्या कहा था, शराब आदमियों से न सिर्फ उसका पैसा छीन लेता है बल्कि उनकी बुद्धि भी हर लेती है। आप बताइए, राष्ट्रपिता ने कहा। नीतीश कुमार ने कहा कि 2015 में जब वे जीविका समूह और कुछ अन्य कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे तो उसी बीच जीविका दीदियों ने मांग की थी कि शराबबंदी बिहार में लागू की जाए। वे अपनी बात कहकर बैठ गए और जब जाने लगे तो उनसे शराबबंदी लागू करने की मांग की गई। इस पर उन्होंने कह दिया कि जब वे सरकार में आएंगे तो लागू करेंगे और जब उनकी सरकार बनी तो लागू किया। 2015 में सरकार बनी और तुरंत हम 26 नवंबर से ही से शुरू कर दिया और इसके लिए पूरा का पूरा अभियान चलाया और फिर 2016 के 1 अप्रैल से शराबबंदी लागू हो गया, कानून बना और लागू किया। लेकिन हम लोगों ने सभी ग्रामीण इलाकों में सबसे ज़्यादा उसका अभियान चलाया था, तो लग रहा था कि जो बड़े शहर हैं अब वहाँ पर देसी शराब को तो बंद, विदेशी शराब वाला अभी कर पाएंगे, ये सोच करके हम लोगों ने कहा था कि अभी कुछ दिन के लिए उन जगहों पर रहेगा विदेशी शराब। लेकिन साहब, जब कितनी खुशी की बात थी, जो हम लोगों को लगा कि शहरी क्षेत्रों में अभियान हमारा उतना नहीं चला, लेकिन जब 1 अप्रैल से जब कहीं जो शहरी पटना और कुछ बड़े बड़े शहरों में ये शराब की दुकानें खुलने की बात शुरू हुई, तो किस तरह से वहाँ के महिलाओं ने, पुरुषों ने, युवाओं ने, युवतियों ने किस प्रकार का अभियान चलाया और एक दुकान को खोलने नहीं दिया, ये देख करके। और उस समय हम लोगों का विधानमंडल सत्र चल रहा था। मुख्यमंत्री के आने से पहले मंच के बगल में एक और मंच बनाया गया था जिससे समाज सुधार से संबंधित कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन हुआ। नशा मुक्ति, दहेज मुक्ति और बाल विवाह को लेकर जागरूकता के संदेश दिए गए। इस अवसर पर खगड़िया की जीविका दीदी काजल कुमारी ने एक दहेज लोभी परिवार की कहानी सुनाई बेगूसराय के छौहारी। 2015 में जब एक कार्यक्रम था इसी तरह से जीविका समूह का और अन्य कार्यक्रम था और उसी सिलसिले में जब हम लोग बोल रहे थे, ये जुलाई महीने की बात है, 9 जुलाई, और उस दिन जब हम लोग अपनी बात बोल करके जो महिलाओं के उत्थान का, समाज के विकास का, ये सब काम का चर्चा करने के बाद जब हम ये पटना की बात है बैठे थे, तो उसी बीच में आप जो जीविका दीदियां हैं वहाँ मौजूद थी और उसमें से कई लोगों ने खड़ा होकर के मांग करना शुरू किया कि शराबबंदी लागू कीजिए, शराबबंदी लागू कीजिए। तो हम तो बोल करके बैठ गए थे, लेकिन उसके बाद जब बोल करके जब हम बैठ गए और जब उनकी बात सुना और जो हमारे उसके समय जो मंत्रीगण और लोग भी थे उस कार्यक्रम में,
उनसे भी हमने पूछा कि क्या बोल रही है, जो हमको सुनाई पड़ा शराब सबका क्या शराबबंदी के बारे में। तो लौट करके हम आए और आ करके हमने कह दिया कि भाई अगर अगली बार आएंगे तो हम शराबबंदी लागू करेंगे। एक लाइन हम सिर्फ बोल दिए। जीविका दीदी शोभा देवी ने कैसे शराब के व्यवसाय को छोड़कर कपड़े के व्यवसाय से जुड़ी, इसके बारे में उन्होंने विस्तार से बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज, बेगूसराय।